ओम शांति। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ नवरात्रि व्रत की व्यंजन। ये आलू उबाल कर चटनी बना कर रखी हूँ। ये साबुदाना की पकौड़े बनाऊंगी, साबुदाना के खीर बनाऊंगी, शाम को खीर बनाऊंगी, आलू के चिप्स बनाऊंगी, केले की चिप्स बनाऊंगी। हमने तवे चढ़ा दी, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया। ये आलू चटनी है, इसमें हरी मिर्ची और हरी धनिया मिलाया हूँ, नमक थोड़ा सिंदूर नमक, और ये साबुदाना में भी थोड़ा हरी धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा सिंदूर नमक। अब हम बनाने जा रहे हैं टिक्की। अब हमने इसको उठा रहे हैं, तो हमने पकने दे रहे हैं। अब ये टिक्की आपका आलू टिक्की बन गया। अभी तेल के इस्तेमाल बिल्कुल कम। अभी मैंने साबुदाना के अब ये टिक्की है, साबुदाना के टिक्की हो गया तैयार। जीरा के उबाल के फ्राई बनाने जा रही हूँ। इसमें हल्का सा जीरा डाल देंगे, जीरा पर से इसको हमने बिछा दे रही हूँ। थोड़ी सी धनिया छीट दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च, केले का भी फ्राई बन गया। हमने आलू की फ्राई बना रही हूँ उबाल के, आलू को उबाल के चक्के काट के। धनिया ताकि स्वाद हो जाए। नमक हमने पहले सिंदूर नमक मिला रखा है। आपका ये आलू की फ्राई भी हो गया तैयार। अब हम सारा निकाल कर लगा। अब ये हो गया आपकी साबुदाना के खीर, ये हो गया सांभर की खीर, और ये हो गया आलू की फ्राई, ये हो गया साबुदाना की पकौड़े, और ये हो गया केले की फ्राई, ये हो गया आलू की टिक्की, और ये हो गया दूध, ये हो गया आपकी व्रत की व्यंजन। ओम शांति। आप लोगों को ये व्यंजन पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ओम शांति।